Guys, very good morning. Welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. मैं साहिल खनेरल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब रेलवे डू नहीं और आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क. तो समय और कार्य हमारा टॉपिक है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, है ना. इससे क्या होगा कि मैं आपको एक एक कंसेप्ट समझाने वाला हूं कि सिर्फ दो चीजों से आप इस पूरे चैप्टर के टफ से टफ क्वेश्चन को लगा सकते हो, ये मेरी गारंटी है. डेफिनेटली आपको बस चीजें समझने की जरूरत है. अरिथमेटिक में जितने भी मैंने अंक गणित के चैप्टर आपको कराए हैं, सिर्फ और सिर्फ समझिए कि परसेंटेज किस काम आता है, टाइम एंड वर्क किस काम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस किस काम आता है. बहुत आसान हो जाएगी अरिथमेटिक, बस हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है मैथ के साथ अपनी. क्लियर गाइज? जी हाँ. तो सब लोग जुड़ जाएं और बहुत अच्छे से आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो जैसा कि ये चैप्टर है समय, टाइम एंड वर्क, ये है. अब मेरी बात आप सुनना ध्यान से, ये काम है. आपको कोई काम करना है, ठीक है, कितने समय में करना है. वो समय क्या हो सकता है? आपके दिन हो सकते हैं, आपके आवर हो सकते हैं. मतलब भाई वो समय दिन में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है. तो मैं आपसे ये कह दूं कि आप इतने दिन में ये काम कर रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला जब तक मैं आपकी ताकत आपको ना बताऊं. मैं आपसे कहूं कि आप एक दिन में दो बुक पढ़ रहे हैं, तो चार दिन में कितनी बुक पढ़ेंगे, जल्दी बताइए. छोटा सा लॉजिक है और इसी पे बेस्ड पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है. मैंने बोला आप एक दिन में दो बुक पढ़ रहे हैं, तो आप एक दिन में दो बुक पढ़ रहे हैं, कितनी बुक पढ़ रहे हैं, दो बुक. तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हिम्मत हो गई, आपकी क्षमता हो गई. तो यही आपकी क्या है, इफिशियंसी है. ठीक है. तो आप जब एक दिन में दो बुक पढ़ रहे हैं तो चार दिन में कितनी पढ़ेंगे, आठ बुक पढ़ेंगे. क्लियर है? मेरी चीजें समझो. मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि आपके जो टाइम है उसको जब आप इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वर्क आ जाएगा. कैसे आ जाएगा, देखो कैसे आएगा, चीजें समझो. बस इसी फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है. आप इसको अगर ढंग से समझ लोगे, चीजें क्लियर कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा. देखो, इफिशियंसी आपको इनटू मतलब टाइम ले दिया बराबर वर्क कर दिया. सर ये क्यों आया, ये इफिशियंसी क्या होती है, कार्य क्षमता होती है. आपकी कार्य क्षमता क्या थी, आप एक दिन में दो बुक पढ़ रहे थे, तो ये आपकी क्या है, कार्य क्षमता. कार्य क्षमता हमेशा एक दिन की कैलकुलेट होगी, ठीक है. जो आपकी इफिशियंसी होगी वो एक दिन की कैलकुलेट होगी, और आपका जब अगर उस टाइम से गुणा करोगे तो आपका टोटल काम आ जाएगा, आपका टोटल काम आपके सामने आ जाएगा. क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई यहां पे. अब आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन रखता हूं कि आपके पास 60 काम है, आप तीन काम एक दिन में करते हैं, तीन काम पर दिन, ठीक है. तो थ्री वर्क पर डे कर रहे हैं, तो आप कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ये बताइए. आप कितने दिन में 60 काम करेंगे, तो सीधा सा लॉजिक ये है कि तीन काम प्रतिदिन करना ये आपकी क्षमता है, ये आपकी इफिशियंसी है कि आप तीन काम पर डे कर रहे हो और आपको 60 काम करना है, तो आपको दिन निकालने हैं कि मैं कितने दिन में करूंगा. तो आप क्या करोगे, 60 में तीन का भाग दे दोगे, और करना भी तो यही है, इफिशियंसी गुणा टाइम बराबर वर्क होता है. वर्क आपका 60 है, कार्य क्षमता इफिशियंसी कितनी आपकी, तीन है, है ना. और आपका दिन कितने आ जाएंगे, तो आप कितने दिन में काम कर दोगे, 20 दिन में इस पूरे के पूरे काम को कर दोगे. क्लियर हो रहा है यहां तक, अच्छा लगेगा, पूरा चैप्टर समझ में आएगा, बशर्ते कि आप जुड़े रहें, पूरे के पूरी वीडियो ध्यान से देखें और एक एक चीज को समझें. क्लियर है गाइज? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते जाना. जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मजा आएगा और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है. यहां तक क्लियर हो गया? अब आपसे मैं एक चीज पूछ लेता हूं कि आप हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं ए है और बी है, ये तीन काम कर रहा है एक दिन में. मतलब मैंने इसकी इफिशियंसी लिख रहा हूं इसकी, ये तीन काम कर रहा है और ये दो काम कर रहा है. क्लियर है, ये इफिशियंसी है, इसकी क्षमता क्या है, ये एक दिन में तीन काम करता है, ये एक दिन में दो काम करता है.
ठीक है। तो मान के चलो 50 रुपए हैं इनके पास, टोटल कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं, तो इसको कितने रुपए मिलेंगे, इसको कितने रुपए मिलेंगे, जल्दी से बता दो। टोटल 50 रुपए हैं आपके पास, तो इसको कितने रुपए मिलेंगे, इसको कितने रुपए मिलेंगे, जल्दी से बताओ। तो आपसे मैं ये कह दूं कि भाई इसको 30 रुपए मिलेंगे और इसको 20 रुपए मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है भाई। जो काम ज्यादा करेगा पैसे भी तो उसी को उतने मिलेंगे, जो 50 रुपए हैं वो आपके 3:2 में विभाजित हो गए, ठीक है, 3:2 में विभाजित हो गए, क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ, तो सीधी सी बात है, इफिशियंसी डेज की रिवर्स होती है, ये कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको पता लग गया 30 रुपए और 20 रुपए मिलेंगे, तो मैं ये कह दूं कि जो आपका पैसा है, जो आपका रुपीज है, मतलब मजदूरी वाला चैप्टर, समय, कार्य और मजदूरी, ये भी इसी के अंदर सम्मिलित है, हमें कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब इसी से हो जाएगा, बस आपको क्षमता निकालने की जरूरत होती है, क्लियर है, चलिएगा। अब मैं आपके सामने एक और चीज रख देता हूं, ये आपके चैप्टर क्लियर हो रहा है, इसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने हैं और इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, मजा आएगा और खुद ही कह दोगे कि सर चैप्टर समझ में आ गया, कोई सा भी क्वेश्चन लगाओ, अभी तो पहला भाग है, दूसरा भाग और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ लेके आने वाला हूं, क्लियर। चलिए, तो अब दूसरी चीज आती है ये वाली बात, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है M1, D1, H1, W1 और R1, ये क्या है मैं सब बताऊंगा, क्लियर है, बराबर M2, D2, H2, W2 और R2, ये एक दूसरा फॉर्मूला है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये आपके दिमाग में चीज सेट करने के लिए है सब चीजें। देखो कितना शानदार है, मैं आपको चीजें बता देता हूं कि M1 क्या है, M1 क्या है, ये आपकी जो पुरुष हैं उनकी संख्या है M1, पुरुष और M2 भी वही है। D1 क्या है, D1 आपके क्या है, दिन है, डेज है, ठीक है, डेज है, और ये आपका क्या है, H1 क्या है, आवर है, आवर मतलब घंटे, मतलब सीधी सी बात है कोई काम ये भी तो हो सकता है, एक दिन में चार घंटे काम कर रहा हो तो इस वजह से लेते हैं इसको, ठीक है, हाँ ठीक है। अब आपके सामने ये आ गया W1, तो आपके सामने W1 क्या है, आपका ये है वर्क, आपका क्या है, ये वर्क है, काम है आपका, कार्य है आपका, और R1 क्या है, रुपया, पैसा, ठीक है, R1 रुपीज। तो देखो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी है, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपके सामने ये फॉर्मूला आया कैसे ये बताता हूं, देखो M1 मतलब किसी की इफिशियंसी, किसी की क्षमता, M1 मतलब किसी की क्षमता, D1 मतलब उसका टाइम, अब टाइम दिन में भी हो सकता है और घंटे में भी हो सकता है, तो ऊपर ही आएगा दोनों, भाई गुणा तो हो रहे हैं, इफिशियंसी गुणा टाइम, इफिशियंसी गुणा टाइम, क्लियर है, क्लियर है। अब आपके सामने वर्क यहां था, वर्क यहां पे था जो कि एक आदमी का है, भाई M1 अलग आदमी है और M2 अलग आदमी है, क्लियर है, M1 अलग आदमी है और M2 अलग आदमी है, क्लियर है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि M1, D1, H1, W1, R1, तो W1 आपका क्या होगा, नीचे आपका कार्य हो जाएगा, है ना। अब इसी तरीके से इसमें भी वही चीज आ जाती है सारी, तो ये जो फॉर्मूला है इसी से बना है, इफिशियंसी गुणा टाइम अपॉन वर्क, इफिशियंसी गुणा टाइम अपॉन वर्क, और आपको पता है रुपया भी इसी के अनुपात में बढ़ता है, तो साथ के साथ आपका मजदूरी वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, क्वेश्चन हम सारे करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, चलें अपने चीजें समझते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो पहला क्वेश्चन ये है कि 20 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, 20 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, है ना, और तो 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, बताओ 20 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो M2 कितना है, 30 है, 30 आदमी एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपका क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये इसलिए यूज होता है ना, डायरेक्ट लगाइए आप, कंपैरिजन करना हो दो चीजों में तो ये फॉर्मूला लगता है कि एक आदमी इतना काम कर रहा है तो कितने दिन में होगा, एक आदमी इतना काम कर रहा है तो कितने दिन में होगा, क्लियर है, तो आपका हाँ ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 से 0 चला गया, 20/3 दिन में वो अपना काम कर लेगा दूसरा आदमी,
क्लियर है, 20/3 आ गया। अब चीजें समझते हैं, अब इसके आगे क्या होता है ये समझो, इसके आगे क्या चीजें हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आदमी, एक जो पहला आदमी है वो 40 दिन में 2 आवर काम करके, 40 दिन में 2 आवर काम करके 30 काम करता है। एक आदमी है 40 दिन में 2 आवर काम करके 30 काम करता है, तो दूसरा आदमी 20 दिन ठीक है कितने घंटे काम करे कि वो 60 काम कर ले, 20 दिन कितने घंटे काम करे कि वो 60 काम कर ले। तो आपको पता है एक एक आदमी है दोनों, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यही लगाना है। तो कैसे लगाओगे देखो, हाँ तो कैसे लगाओगे देखो, वही चीज लगाएंगे हम, सब चीजें वही करने वाले हैं। देखो मेरे दोस्तों, 40 मतलब एक आदमी है तो एक ही रखो, 40 दिन में 2 घंटे डेली काम कर रहा है तो कितना काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है। M1 D1 H1 अपॉन 30 बराबर M2 एक ही है, D2 कितना है 20, ये आपको निकालना है कितने घंटे अगर दिन में काम करे कि उसका 60 काम पूरा हो जाए, ठीक है उसका 60 काम पूरा हो जाए। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इतने घंटे प्रतिदिन उसको काम करना पड़ेगा, इतने घंटे उसको प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। अगर सबको समझ में आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं 2000 लोग देख रहे हैं, सब कुछ क्लियर होगा, एक एक चीज समझाऊंगा, गारंटी है ये चैप्टर नहीं समझ में आए तो, ठीक है। देखो अब इसको आराम से सॉल्व कर लो, ये आपका 0 से 0 गया, 3 दुनी 6 और 20 दुनी 40, ये आपका आ गया 8 घंटे प्रतिदिन उसको काम करना पड़ेगा, इस वाले बंदे को 8 दिन प्रतिदिन काम करना पड़ेगा तब इसका काम पूरा होगा इसके बराबर, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आपके बनते हैं और मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, क्लियर है। तो दोनों चीजें समझ में आ गई आपको, दोनों चीजें समझ में आ गई कि दोनों फॉर्मूलों में क्या अंतर होता है और किस तरीके से हम इन चीजों को निकालते हैं, है ना। अब एक और चीज समझ जाता हूं जो आपके सारे क्वेश्चन में काम आएगा, लगभग 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो यहां पे आपका क्या लिखा जाएगा, आपके लिखे जाएंगे वैल्यू, कि जो वैसे ए काम कर रहा है बी काम कर रहा है ऐसे लिखा जाएगा। इसके यहां पे क्या लिखा जाएगा, डेज लिखे जाएंगे, यहां पे क्या लिखा जाएगा कि कितने दिन में ए काम कर रहा है कितने दिन में बी काम कर रहा है। अब वही काम करेगा, मेरी बात समझ रहे हो, कि ए किसी काम को, कोई भी काम हो सकता है, किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, तो यहां पे क्या आएंगे आपके दिन आएंगे, यहां पे दिन आ गए, और जो यहां पे इन दोनों दिनों का एलसीएम आएगा, इन दोनों दिनों का एलसीएम आएगा वो क्या होगा, आपका टोटल वर्क होगा, क्या होगा टोटल वर्क होगा। ये जो चीज बता रहा हूं ना ये आसान नहीं दिख रही होगी लेकिन बहुत ज्यादा आसान है, बस एक बार समझ लो, मेरी गारंटी है गलती नहीं होगी, ठीक है। और जो यहां पे आपकी चीज निकल के आने वाली है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर क्या आएगा ये बताओ, जब मैं टोटल वर्क में डेज का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ, अगर किसी को पता है कि अगर मैं टोटल वर्क में डेज का डिवाइड करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, जल्दी बताओ जल्दी से क्विकली सब आंसर दो। ठीक है तो यहां पे क्या आएगा बी, हां चल बहुत बढ़िया, यहां पे आपकी आएगी इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। और दिमाग में जिंदगी में हमेशा याद रखना, कार्य क्षमता एक दिन की कैलकुलेट होती है। आज मैं चाहे कितनी भी स्पीड से चल रहा हूं, लेकिन मेरी हिम्मत कितनी है कि मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता हूं, तो हमेशा एक घंटे के सापेक्ष में निकालते हैं, तो यहां पे दिन है तो एक दिन के सापेक्ष में कार्य क्षमता निकलेगी। हमारी हिम्मत का कैसे पता लगेगा, अब ए की हिम्मत का कैसे पता लगेगा कि ए कितने दिन में कितना काम कर रहा है, तो आपको टोटल वर्क में जो कि इन दोनों का एलसीएम होगा तो यहां पर आपकी इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी, ठीक है कार्य क्षमता आ जाएगी। तो ये आपका परफॉर्मा है पूरा साधारित करने वाले हैं, और जो दूसरा टाइप था M1 D1 वाला उसके क्वेश्चन भी मैं आपको साथ के साथ कराते चलूंगा और रुपीज वाले भी कराते चलूंगा। तो आप सब तैयार हैं तो मुझे बता दें, सब बता दें कि सर हम तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए, आप क्वेश्चन कराइए,
एक एक कंसेप्ट से कंसेप्ट समझेंगे, आंसर आप भी दोगे मैं भी दूंगा। तो जल्दी से सब पिन कर दो, मजा आ रहा है तो सब लाइक कर दो एक साथ, चलिएगा जल्दी से बताएं सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया, गॉट इट गाइस। जो लोग कह रहे हैं सर फास्ट पढ़ाओ, देखिए कंसेप्ट सबसे जरूरी होता है ना, कंसेप्ट एक बार समझ लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बफरिंग नहीं हो रही है गाइस, सब ओके है। रिफ्रेश कर लें अपने पेज को गाइस, है ना, कोई बफरिंग नहीं है, सब ठीक है, चलेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एक की तरफ, क्वेश्चन नंबर एक की तरफ चलते हैं, इसको आंसर दें। चलिए रिफ्रेश कर लें अपने पेज को, सब डन है गाइस, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने पेज को रिफ्रेश कर लें। चल गया है, अब डन है, सब कुछ ठीक है ना दोस्तों? जी हाँ, ओके, चलिएगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन करिए और सब लोग आंसर दीजिए। रेडी गाइस? बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर दें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखो अब मैंने क्या बोला था कि जो ए और बी है ना वो क्वांटिटी है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, आप और मैं हैं ए और बी, या फिर कोई और है, कि दो आदमी हैं, एक तरीके से पर्सन है जो काम कर रहे हैं, जो दिया गया है पर्टिकुलर, ओके हाँ, तो ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ए किसी काम को 6 दिनों में करता है। तो मैंने क्या बोला था, दिन यहां लिख दो, ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, ये डेज हो गए उसके, ये डेज हो गए, ठीक है। क्या बोला गया, बी 9 दिनों में करता है, तो देखो काम वही है, ए किसी काम को 6 दिनों में करता है और बी 9 दिन में करता है ना। तो हमने क्या निकाला कि हम दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो ये मेरा किसके बराबर होगा, टोटल वर्क के बराबर होगा, और टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54, 54 मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम वो चीज होती है जो इसका भी भाग चला जाए और इसका भी भाग चला जाए। तो यहां पे मेरी कार्य क्षमता, जो मेरी इफिशियंसी है, वो क्या आ जाएगी, मेरी इफिशियंसी आ जाएगी 6 × 54 और 9 × 6 = 54। मेरी बात समझ में आई कि हमेशा आपको डिवाइड करके ही देखना है, ये जरूरी नहीं है कि उल्टा हो जाएगा सर, जरूरी नहीं है, अलग भी हो सकता है, वो एलसीएम पे डिपेंड करता है, क्लियर है। तो आपको हमेशा डिवाइड करके देखना है कि 54 में 6 का डिवाइड जाएंगे तो इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता ये आ गई। अब क्या बोला गया है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना, काम कितना है हमारा, टोटल वर्क कितना है, 54। तो आपको पता है इफिशियंसी गुणा अगर आपको टाइम निकालना है तो वो वर्क के बराबर होता है। तो आपको टाइम निकालना है कितने दिन में करेंगे, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी क्षमता, कार्य अपॉन क्षमता, और क्षमता किसकी आएगी, दोनों की मिलाकर पूछा है ना काम, दोनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे, तो वर्क आपके पास 54 है और आपकी क्षमता कितनी है, 9 × 6 = 15, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, हाँ तो यहां से मैं आपको निकाल लूंगा आंसर इसका, 18/5 जो कि हो जाएगा 3.6 डेज, 3.6 डेज, क्लियर है, 3.6 डेज, समझ में आया, सब कुछ समझ में आएगा, बस आप ये देखो कि किया क्या है। दोबारा से समझा रहा हूं कि ए और बी दो बंदे थे, ए 6 दिन में कर रहा है एक कोई काम को, काम हमें नहीं पता, काम हम निकालेंगे कैसे, इन दोनों दिनों का एलसीएम देके, क्लियर है, दोनों दिनों का एलसीएम दे दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना सब, अगर आपके सामने दोनों दिनों का एलसीएम देके हमने कार्य वर्क निकाल लिया, फिर हमने क्षमता निकाल ली, क्षमता निकाल ली, इफिशियंसी यहीं के ही निकाल ली, इसके बाद दोनों मिलाकर कितने दिन में कर रहे हैं ये निकाल लिया। अब मान के चलो, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, मान के चलो इस चीज को कि आपके सामने वर्क दे दिया होता, ठीक है, कि भाई ए 54 काम 6 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, और बी की कार्य क्षमता दे दी होती 6, तो भी आपका आंसर निकलता, क्लियर है, कैसे निकलता, उल्टा हो जाता है सब कुछ। इस तरीके के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहां समझ लो कि सारा डिवाइड का खेल है ना, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है, सब लाइक करते चले, मजा आएगा, है ना। एलसीएम 18 भी ले लो, एलसीएम 18 भी ठीक है,
18 ले लोगे तो भी बढ़िया है, 18 लेके देख लो, 18 लोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, तो 6 तिया 18 और 9 दुनी 18, तो यहाँ पे कितना आ गया, 18/5 आ गया डायरेक्ट, 18/5, तो बात तो वही है, बात तो वही है, आंसर तो वही आने वाला है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है कि यहाँ पे आप 54 ले लो या फिर 18 ले लो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, कोई आपको नहीं रोकने वाला, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर हो गई, चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड करें, बहुत अच्छे से करेंगे हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि ए एक काम को 15 दिनों में करता है, तो भाई साहब ए की बात की गई है, काम कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है, क्योंकि मुझे यहां दिन लिखने हैं, ये रोज रोज लिखने की जरूरत नहीं है कि दिन लिखने हैं, यहां पे दिमाग में जब क्वेश्चन करोगे सब सेट हो जाएगा, ठीक है, और जल्दी कर पाओगे। ए एक काम को 15 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में कर सकता है, बी 20 दिनों में कर सकता है, तो इन दोनों का एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जो कि मेरा टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है मेरा 60, इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 15 का भाग 60 में दोगे तो 4 और 20 का भाग दोगे 60 में तो 3, तो ये इनकी क्षमता आ गई। अब क्या बोला गया है, अब ध्यान से सुनना, चीजें लैंग्वेज पे बेस्ड हैं, सारी भाषा पे बेस्ड हैं, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो ध्यान दो। यहां तक आपने क्लियर कर लिया कि आपकी इफिशियंसी आ गई, यहां पर आपकी क्षमता आ गई, क्लियर है दोस्तों, हाँ क्लियर है यहां तक, चलिएगा है ना। अब आपके सामने क्या बोला गया है, ठीक है, अब आपके सामने क्या बोला गया है कि यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, पहले क्या बोला गया, 4 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये इफिशियंसी क्या होता है, एक दिन का काम होता है ना, आपको पता है ना, तो जल्दी से मुझे बताएं, सर हमें पता है कि इफिशियंसी हमारा एक दिन का काम होता है, क्लियर है, तो एक दिन में बंदे कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलके 7 काम कर रहे हैं, मतलब 4 और 3 7 काम एक दिन में हो रहा है, 7 काम एक दिन में हो रहा है, क्योंकि इनकी क्षमता ही यही है। तो क्या बोला कि यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करें, तो मतलब मैं कह दूं कि 4 दिन तक काम किया है तो 28 काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, 28 काम तो मेरा हो चुका, और टोटल काम कितना है मेरे पास, 60 है, टोटल काम मेरे पास 60 है, 28 काम मेरा हो चुका है, क्योंकि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है। अब मेरे पास काम कितना बचा, अब मेरे पास कितना काम बचा, तो काम का कितना भाग बचा हुआ है, काम कितना बचा है, 32, 28 काम हो चुका है, 60 टोटल काम था, तो 32 काम बचा, और ये काम का कितना भाग है, तो 32/60 कर दो, तो यहां से मैंने काट दिया इसको, 4/8 32 और 15/4 60, 8/15 आपका आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे को बताओ कि आपसे कुछ नहीं पूछा उसने, आपसे बस इतना सा पूछा है कि काम का 28 काम तो आपने कर लिया टोटल 60 में से, बचा कितना भाग, 32 काम बचा हुआ है, वो किसका है 32, वो किसका है, वो 60 का ही तो है, टोटल काम का कितना भाग बचा हुआ है, 32 बचा हुआ है किसका, 60 का, तो 8/15 भाग 60 का बचा हुआ है, क्लियर है गाइस। तो जल्दी से लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, मजा आएगा, सारे क्वेश्चन आप ही करोगे, आपका आज यही काम है कि जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, एलिमेंट्री टफ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दिक्कत आए तो घबराना नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, क्लियर है, चलिएगा चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन मैं समझा के रहूंगा। देखो ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, ठीक है, बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है, ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे, तो करिए इस क्वेश्चन को करें, ठीक है, देखो अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो मैंने देखा कि ए एक काम का 2/5 भाग, तो देखो कभी भी आपके सामने भिन्न वाला भाग आ जाए ना, कि किसी काम का 2/5 भाग,
किसी काम का 1/3 भाग, यही बोला है ना। क्वेश्चन देखो, आप भी देखो क्वेश्चन, मैं भी आपके सामने लिख रहा हूं कि किसी काम का 2/5 भाग, किसी काम का 1/3 भाग। मुझे नफरत है इन फ्रैक्शन से। मैं क्या करता हूं कि काम मैं ऐसा मानूंगा, मैं अपना काम ऐसा मानूंगा जो 5 और 3 दोनों से कट जाए, नीचे वालों से दोनों से कट जाए। तो मैंने मान लिया कि 15 काम है मेरे पास। मेरे पास कितना काम है? 15 काम है। टोटल काम मैंने कितना मान लिया? 15 मान लिया। क्योंकि हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं। मर्जी से क्यों मान सकते हैं? क्योंकि वो सब कट जाता है। अगर एक्स भी मान के चलोगे 15x, तो भी कट जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है तो आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि 1/2 भाग है, तो नीचे जो 5 और 3 है वो 15 से कटने चाहिए। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? जी हाँ। तो अब आपके सामने 15 काम आ गया। अब आपसे क्या बोला गया है कि ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में करता है। तो 2/5 भाग मतलब, तो मतलब 6 भाग, तो 3 × 6 भाग आपका कितने दिन में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी आ गई आपके सामने? ए की क्षमता आ गई एक। ए की क्षमता एक आ गई भाई। 6 भाग 6 दिनों में कर रहा है, तो ए की क्षमता एक आ जाएगी ना। कितनी हिम्मत है, एक दिन में एक ही तो काम कर रहा है, और एक दिन का काम ही तो इसकी क्षमता है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? बी 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। तो 1/3, ठीक है, तो हाँ 1/3 भाग, तो 15 का 1/3 कितना होता है? 5। तो बी क्या कर रहा है? 5 भाग 10 दिन में काट रहा है, 10 दिन में काट रहा है, तो एक दिन में 1/2। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1/2, एक दिन में 1/2, ए की 1, बी की 1/2। अब आपसे क्या बोला गया है कि ए और बी साथ एक साथ काम करके 4/5 भाग को कितने दिनों में काटेंगे? तो 4/5 भाग कितना हो जाएगा 15 का? 15 का 4/5 भाग कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 15, 12 भाग। 12 भाग ए और बी दोनों मिलकर, तो 1 और आधा, 1.5, मतलब 3/2 का भाग दे दो, तो यह आपका आंसर आ जाएगा 8 दिन में काटेंगे। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? मुझे सब बताएं, सब बताएं मुझे। कोई दिक्कत किसी को? किसी भी क्वेश्चन को हमें हवा नहीं बनाना है, किसी भी क्वेश्चन को हमें हवा नहीं बनाना है। देखो कितनी आसानी से हमने 3 लाइन में क्वेश्चन किया है। आप बिना पेन पेपर के कर सकते थे। जो नए बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप में इतनी हिम्मत है कि इस क्वेश्चन को आप बिना पेन पेपर के कर सकते थे। क्या किया हमने? हमने एक दिन की तो इफिशियंसी निकाली कि उसके अंदर हिम्मत कितनी है काम करने की। भाई 6 भाग 15 मानने का कितना बड़ा फायदा हुआ? 2/5 भाग 6 भाग हो गया, 6 भाग 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1, तो इसकी क्षमता हो गई। ठीक है, बी 5 भाग, मतलब बी कितना था? 1/3 था ना, तो 1/3 15 का कितना हो जाएगा? 5, 5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/2। अब दोनों की कार्य क्षमता हमारे पास है, दोनों की कार्य क्षमता हमारे पास है, तो आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस काम का 4/5 भाग 12 होता है, 12 में भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। चलें, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए, अच्छा लग रहा है तो जुड़े रहें, सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना क्लियर हो। आप बशर्ते कि चीजें से जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपको मैं बता देना चाहूंगा कि वाईफाई स्टडी का टेस्ट सीरीज धमाका आपके सामने चल रहा है, तो उसका एक दिन निकल चुका है कल, तो सिर्फ आपके पास 2 दिन शेष हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठा सकते हैं वाईफाई स्टडी टेस्ट सीरीज का, क्योंकि हाई प्राइस मिनिमम प्राइस में इस टाइम बिक रही है टेस्ट सीरीज। चलिएगा, क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की करिए, अगले क्वेश्चन को करें सर, क्वेश्चन नंबर फोर करें। चलिए, आंसर भी आ चुका है 1/6, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है। ए है जो, वो एक काम को 18 दिन में खत्म करता है, ठीक है। बी उसी काम को ए द्वारा किए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। तो बी 18 दिन में खत्म, ए 18 दिन में खत्म कर रहा है, तो बी कितने में करेगा? 9 दिन में। भाई यही तो बोला है,
एक एक काम को 18 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय 18 दिन के आधे समय में खत्म करता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे? तो एक साथ काम कर रहे हैं तो मैंने क्या ले लिया, इनका एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क, ये दिन आ गए हमारे, तो यहां पे आ जाएगा इफिशियंसी, क्षमता। ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे भाई? क्या बोल रहा है कि एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग करेंगे? तो एक दिन में कितना कर रहे हैं? तीन। किसका? 18 का। तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा, 1/6 भाग वो एक दिन में करेंगे, क्योंकि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं? तीन काम ही तो कर रहे हैं, और तीन काम टोटल का 18 का भाग दे दो तो एक दिन में वो टोटल काम का 1/6 भाग ही तो करेंगे। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाइयों, चीजें क्लियर हैं? देखो, कोई ये समझ रहा है ना कि सर हमें हमें जो तीसरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हिम्मत अगर हार गए ना तो मैथ नहीं आने वाली। मैंने समझा दिया, आपके सामने वीडियो है, दोबारा देख लेना मेरे भाइयों, दोबारा देख लोगे तो कुछ नहीं जाएगा, वो क्वेश्चन भी समझ में आएगा क्योंकि मैंने उसी तरीके से समझाया है। और करके कोशिश करो, खुद करने की कोशिश करो, जितना खुद करोगे उतना ही ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है आपके लिए। क्लियर है ना मेरी बात? एक एक बात गांठ खोल के गांठ बांध लो कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। क्लियर है? जी हाँ। तो आंसर आ गया आपका 1/6। क्लियर, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करें और जल्दी से उसके क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर दें। उम्मीद करता हूं आप सबको सब चीजें क्लियर हो रही हैं और अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलें दोस्तों, है ना। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, अगर सारी चीजें समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें समझ लो। और कल भी आपके सामने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, तो आज अगर आपको, देखिए मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो ना, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, क्वेश्चन लगाए घर पे, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। ये नहीं पढ़ के छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को करें कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो देखो, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में, जब अकेले अकेले कर रहे थे तो अकेले अकेले लिख रहे थे। बी और सी 15, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। सी और ए 20 दिन, सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। ठीक है, तो ए बी सी एक साथ काम करें तो वो कितने दिन में खत्म करेंगे? देखो कैसे करना है, अब वही काम करना है, तीनों का एलसीएम ले लो। अब तीन जने आ गए, दो दो के पेयर में आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन ये दिन है आपके, यहां पे एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ये आपका क्या है? टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। तो आपको ये पता है यहां पे आ जाएगा 5, यहां पे आ जाएगा 4 और यहां पे आ जाएगा 3। क्या कर रहा हूं मैं? कुछ भी नहीं कर रहा, 12 का इसमें भाग दे दिया, 15 का इसमें भाग दे दिया और 20 का इसमें भाग दे दिया। क्लियर है? क्लियर है? चलिएगा, देखिए अब आपके सामने क्या हो रहा है, ये देखो बस। आपको पता है a प्लस बी बराबर 5 है, b प्लस सी बराबर 4 है और c प्लस ए बराबर 3 है। आपको इतना पता है कि आपको तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, यही तो निकालना है। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है आपको कुल मिला के। तो मैं ये कहता हूं कि इन सबको जोड़ोगे तो a दो बार आ रहा है, b भी दो बार आ रहा है, c भी दो बार आ रहा है, तो 2a प्लस बी प्लस सी हो गया ना बराबर। ये किसके बराबर है? 5 और 4 9 और 3 12, 12 के बराबर है। तो a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 6। और ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे? 60/6 कर दो, 10 दिन में आपका काम आ जाएगा, 10 दिन में ये काम कर देंगे। क्लियर हो रहा है मेरे भाइयों? क्लियर हो रहा है? समझ में आएगा? सबको समझ में आएगा? दोबारा बता देता हूं कि सर ये आपने कैसे किया। देखो ये दो दो की जोड़ी में है ना, हमें अलग अलग का तो नहीं पता ना, हमें अलग अलग का नहीं पता, निकाल सकते हैं अलग अलग भी, अलग 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 का पूछे। मैं अब आपसे ये प्रश्न पूछता हूं, आपसे मेरा ये प्रश्न है, ए अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा, बी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा, सी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा? जल्दी से आंसर दो अगर सबको समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। देखो ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, ये उनके लिए जिनको समझ में आ गया है, जिनको नहीं आया मैं इसको दोबारा से समझा रहा हूं कि आपको पता है वही काम किया, ये दोनों अलग अलग दिन में काम कर रहे हैं, टोटल आपका वर्क निकल जाएगा 60, आपका टोटल वर्क आ गया। अब एक दिन में काम मतलब इसकी क्षमता कितनी है, ए और बी मिलाकर 5 काम करेंगे, बी और सी मिलाकर 4, सी और ए मिलाकर 3। जब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो हर में दो दो आ रहा है ना, दो ए आ रहा है, दो बी आ रहा है, दो सी आ रहा है,
तो 2a 2b 2c बराबर 12, इनको जोड़ दिया तो a प्लस बी प्लस सी का मान 6 आ गया, इनकी क्षमता आ गई। क्लियर है? तो देखो अब मेरे पास आंसर भी आने लग गए हैं लगातार। तो a अकेला कितने दिन में करेगा? तो जब आपके सामने a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 आ गया है, तो यहां से आप a प्लस बी का मान अगर 5 रखोगे, यहां से a प्लस बी का मान 5 रखोगे, तो c का मान कितना आ जाएगा? c का मान आ जाएगा 1। क्षमता निकाल लो ना अलग अलग, हमें तो अब तीनों का था तो हमने तीनों का निकाल लिया, अब हमें अलग अलग का निकालना है तो अलग अलग की क्षमता निकाल लो और टोटल वर्क में भाग देते जाओ, सबका मान आ जाएगा। तो c बराबर तो आ गया आपका 1, और b बराबर कितना आ जाएगा? इसी मान में b और c का मान रख दो, इसी वेल इसी a प्लस b प्लस c में b और c का मान रख दो 4। तो a बराबर कितना आ जाएगा आपके सामने? 2। और क्या रखोगे आपको किसका निकालना? b का। तो c और a का मान रख दो 3। तो c और a का मान 3 रखोगे यहां पे, तो b बराबर आ जाएगा आपका 3। तो a अकेला कितने दिन में करेगा? 2 का भाग दे दो 30 दिन में करेगा। b अकेला कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। और c अकेला 60 दिन में काम करेगा। क्लियर है? हाँ। तो a का मान 2, b का मान 3, c का मान 1, ये इसकी क्या है? क्षमता है। ये इसकी क्या है? क्षमता है। क्लियर है? तो C 60 दिन में करेगा, B 20 दिन में करेगा और A 30 दिन में करेगा। अब देखो बड़ा क्वेश्चन बन गया, कैसे भी क्वेश्चन घुमा ले आपको बस क्षमता निकालनी है। क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? क्लियर हुआ है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? लाइक करते चले, मजा आएगा। देखो है ना, इंटरेस्टिंग चीजें तब होती हैं जब एक एक कंसेप्ट क्लियर हो। समझ में आ गया कि इफिशियंसी हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास सिर्फ टाइम दे रखा था, हमने टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क करके हमने तीनों की निकाल ली। अब तीनों से हम एक एक वैल्यू रख के इन इनकी, भाई इसका मान ये रखोगे तो सी आ जाएगा, ए और बी का मान 5 रख दो डायरेक्ट, सी का मान आ गया 1। इसी तरीके से बी बी सी का रख दोगे तो ए का मान आ जाएगा, और सी और ए का रख दोगे तो बी का मान आ जाएगा। क्लियर है? हाँ। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, सारी चीजें समझ में आए यही उद्देश्य है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करें और अच्छे से करें। चलिएगा, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 6 क्वेश्चन। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। अब घंटे आ गए तो हमें क्या लेना है? हमें तो टाइम से मतलब है कि ए एक काम को 4 दिन में खत्म कर, 4 घंटे में खत्म कर सकता है। बी और सी इसी काम को 3, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में, और ए और सी इसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला इसको कितने दिनों में करेगा? तो क्या करोगे? एलसीएम ले लो तीनों का। तो एलसीएम मैंने देखा 12 आ गया। तो देखा 4 3 12, 3 4 12, और ये हो जाएगा आपका 6। तो आपको किसका निकालना है? बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो बी की निकालनी है सिर्फ। ए की आपके पास है 3, ए और सी की आपके पास है, तो यहां से मैं सी की निकाल लेता हूं। जब ए बराबर आपके पास 3 है और ए प्लस सी बराबर आपके पास 6 है, तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सी बराबर 3 आ गया तो बी बराबर आपका 1 आ जाएगा। इसमें रख दोगे मान तो 12 दिन में आपका काम हो जाएगा, 12/1। तो बी हमेशा 12 दिन में आपका काम कर देगा। अब आ रहे हैं आंसर, क्लियर हो रहा है तो बताते चलें और अच्छा लग रहा है लाइक भी करते चलें, समझ में आना चाहिए, उद्देश्य ये है बस, है ना? अभी तो ये शुरुआत है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे करोगे एक एक दो दो लाइन में आंसर दे दोगे, लेकिन समझना पड़ेगा, है ना? पहले एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, एक टीचर को पकड़ना पड़ेगा, और उद्देश्य आपका यही होना चाहिए कि पढ़ें तो एक प्रॉपर वे में पढ़ें। मैं डेली आपको यहां 11 बजे मिलता हूं और डेली मैं 11 बजे क्लास लेता हूं, तो उम्मीद यही है कि आपके पास नोटिफिकेशन आए चाहे नहीं आए, लेकिन 11 बजे क्लास होगी सोमवार से शुक्रवार हमेशा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 को करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखें और इसका आंसर दें। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, करें। ए एक काम को 6 दिनों में खत्म कर सकता है, ए एक काम को 6 दिनों में खत्म कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करके दोनों साथ मिलकर काम करके काम खत्म करते हैं, तो ए ने कितना काम किया ये बताइए अब मेरे को। आप ये क्वेश्चन देखिए, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ए ने कितना काम किया? तो मैंने यहां देखा इनका एलसीएम कितना आया, 12।
ए एक काम कर रहा है, सॉरी ए दो काम करेगा और बी की कितनी है, एक है, ठीक है, है ना। तो अब आपसे बोला गया है ए ने कितना काम किया, तो ए ने कितना काम किया, ए ने 6 दिन में काम किया, है ना। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करके काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया, है ना। तो एक साथ मिलकर काम खत्म करते हैं, तो एक साथ मिलकर काम खत्म करेंगे तो इनका कितना आ रहा है, 4, इनका कितना आ रहा है, 3। मतलब दोनों की इफिशियंसी क्या है, क्षमता क्या है आपकी, 3 आ गई, इफिशियंसी 3 आ गई। तो आपका कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, दिन निकालोगे तो 4 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। टोटल काम क्या किया मैंने, 12/3 कर दिया, टोटल वर्क आपका ये है, इफिशियंसी का भाग दे दिया, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 4 दिन में हो जाएगा आपका। अब ए ने कितना काम किया, ए ने कितना काम किया, तो ए ने, ए की कार्य क्षमता कितनी, 2 है, और 4 दिन तक बंदे ने काम किया है, 4 × 2 = 8, ठीक है, 12 कर दो क्योंकि आपका टोटल वर्क यही है, तो 8/12 जब करोगे तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो 2/3 काम इसने किया है, 2/3, ठीक है, क्लियर है, 2/3 काम इसने किया है, 100% राइट है, 2/3। समझने की जरूरत है, बस समझो क्या कहा है, ये देखो कि ए और बी इतने इतने कर रहे हैं, आपने यहां तक निकाल लिया होगा, एलसीएम आपका टोटल वर्क के बराबर है, एलसीएम आपका टोटल वर्क के बराबर है, ए 2 काम करेगा, बी 1 काम करेगा, भाई क्षमता है, एफिशिएंसी क्या है, कार्य क्षमता क्या है, ए 2 काम करेगा, बी 1 काम करेगा, क्लियर है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दिया, 3 दिन, 3 काम हो रहा है एक दिन में, तो 4 दिन में 12 काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब 4 दिन 12 काम किया, ए ने कितना काम किया, यही तो पूछा, ए ने कितना काम किया, ए ने हमारे 4 दिन तक काम किया, भाई दोनों ने 4 दिन तक काम किया, लेकिन ए भी ने तो, ए ने भी तो 4 दिन तक काम किया है, और एक एक काम दो, मतलब 2 काम एक दिन में कर रहा है, तो टोटल 8 काम कर दिया, ए ने टोटल 8 काम कर दिया, और वो कितने काम के बराबर, 12/12 का भाग दे दो, तो 2/3 काम इसने कर दिया है, क्लियर है, 2/3 काम इसने कर दिया है। गॉट इट गाइज, समझ में आ रहा है, लाइक करते चले, सब चीजें क्लियर कर दी है मैंने आपके सामने, डाउट ना रखें एक भी, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, जो लेट हो गए मैं उनसे कहूंगा, नमन सर की क्लास शाम को 4 बजे होती है, नमन सर की क्लास एसएससी सीजीएल सीपीओ की शाम को 4 बजे नमन सर की क्लास होती है, ठीक है, तो वहां भी आप मैथ्स पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है, क्लियर है। चलिए, जो लोग कह रहे हैं स्लो पढ़ाओ, राहुल सिंह मैं बहुत सही स्पीड से चल रहा हूं मेरे दोस्त, कोई भी फास्ट नहीं है, अगर आप पहले जुड़े होते ना तो आपको सब समझ में आ जाता, लेकिन अब आपको फास्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट बहुत स्लो स्लो पढ़ाए हैं, सारी चीजें बहुत स्लो स्लो बताई हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप दोबारा देख लेना वीडियो, सब कुछ समझ में आएगा मेरे दोस्तों, क्लियर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 को करें जल्दी से, जी बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन ये एलिमेंट्री चल रहा है, मतलब पार्ट 1 है, उसी हिसाब से क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, पार्ट 2 आएगा जो कल, उसमें हम लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेने वाले हैं, आप बेफिक्र रहें इन चीजों के लिए, है ना, वो सब मुझे पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन लेने हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, जल्दी से आंसर दीजिए, 15 आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, 15 सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है 15, ठीक है, बताने की जरूरत है इस क्वेश्चन को, तो मैं बता देता हूं, देखिएगा, ए और बी मिलकर 10 दिन में एक काम को करते हैं, ए अकेला 30 दिन में एक काम को करता है, ठीक है, तो यहां से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसको, तो एलसीएम ले लो 30, यहां से आ जाएगा 3, यहां से आ जाएगा 1, तो बी का कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2, बी की 2 आ गई, तो बी कितने दिन में काम करेगा, 30/2 मतलब 15 दिन में, तो जो आपका 2 आया 30 में भाग दे दो, 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है दोस्तों। चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, और इसको करो तब मैं समझ में आएगा कि आपको समझ में आई है सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 9 करें और अच्छा लगे बिल्कुल, सबसे पहले जो बात है थम्स अप करते जाएं, ठीक है, चलिएगा। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो ए
और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि टोटल आपका एलसीएम आ जाएगा, टोटल वर्क 30, यहाँ पे एफिशिएंसी 2, यहाँ पे एफिशिएंसी 3। मैं ये कह दूँ कि ए और बी की एफिशिएंसी का जो अनुपात है 2:3 है, तो आपके सामने कितने रुपए दे रखे हैं, 30,000 रुपए का ठेका लिया था, 30,000 रुपए का ठेका लिया था, तो आपको ये बताना है कि ए का हिस्सा कितना है। मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा मैंने ये बोला है आपसे, कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन आपको जब भी पैसे को बांटना है, अब मजदूरी वाली बात आ गई ना, तो मजदूरी वाला चैप्टर भी इसी में कवर अप कर देंगे आपके लिए, ठीक है। और इसके बाद जो चैप्टर आएगा नल व टंकी, वो भी ऐसा ही है, लेकिन समझो इस चैप्टर को, इसलिए मैं बेसिक चीजें लेके चल रहा हूं, क्लियर। तो 2:3 में आपको बांटना है, कैसे बांटोगे, जब 5:2 और 3 30,000 है, क्योंकि टोटल ठेका इतने का है ना, तो टोटल अनुपात कितना है, 5:30,000 है, तो 1:6,000 और ये कितने हैं, इसका हिस्सा कौन सा है, 2:1, तो 2:1, तो 1:6,000 है, तो 2:12,000 और बी का कितना हो जाएगा फिर, 18,000, बी का 18,000, तो इसका 12,000 और बी का 18,000, क्लियर हो गया। तो आप पैसे भी निकाल सकते हैं, और आपको पता है कि जो ज्यादा काम करेगा उसी को ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्लियर है। तो बेचारे इसकी इफिशियंसी कम है, कार्य क्षमता जिसकी ज्यादा है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, 18,000 रुपए, वो हमेशा कार्य क्षमता के रेशो में डिवाइड हो जाता है पैसा जो होता है, क्लियर है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर दस देखें। जी बिल्कुल, ऑलराउंडर साहब लेवल बढ़ाएंगे सर, कोई बात नहीं है ऐसी, लेकिन चीजें क्लियर होंगी तभी तो होगा ना सारी चीजें। पहले ही दिन मैं आपके लिए इतना हाई लेवल ले दूं कि आपको कुछ समझ में ना आए तो उसको पढ़ाने का मतलब नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको एलिमेंट्री चीजें पढ़नी है पहले, तो पहले जो सीढ़ी होती है वो धीरे धीरे से स्टार्ट होगी, कल जो आएगा आपके लेवल का आएगा, आप भी पढ़िएगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। चलिएगा, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कर लें इसको। एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक एक साथ काम करने में 800 रुपए मिलते हैं, ठीक है। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगनी है। देखो, पुरुष मतलब मैन मान लिया, लड़का मतलब बॉय मान लिया। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगनी है, तो कार्य क्षमता हम इधर लिखते हैं, एफिशिएंसी हम इधर लिखते हैं ना, तो यही बोला गया है कि पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगनी है, ठीक है। क्या बोला गया है, हाँ, लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, तो आपसे मैं बोल दूं कि जो 800 रुपए हैं वो नीचे ही आते हैं, तो ये टोटल आपका 800 के बराबर हो गया, टोटल आपका 800 के बराबर हो गया। आपसे क्या बोला गया है कि एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों एक साथ काम करने में, 5 दिन तक एक साथ काम करने में इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो प्रतिदिन लड़का कितने रुपए कमाता है। तो मैं ये कह दूं 5 दिनों में आपको 800 मिल रहा है, 5 दिनों में 800 मिल रहा है, तो एक दिन में कितना मिलेगा, 160 रुपये, एक दिन में 160 रुपये मिलने वाला है, क्लियर है। हाँ, तो 40 सही, 1/3 आंसर आ रहे हैं। चलिए आंसर दीजिए, एसएससी सीजीएल की शाम को चलती है क्लास। स्प्राइट क्लियर है, बहुत बढ़िया। ए आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, लाइक करते चलें। जो मैं देखना चाहता हूँ, हाँ, मेरे पास घनश्याम सिंह का सही आंसर आया है, घनश्याम सिंह का सही आंसर आया है, बिल्कुल। चलिए, तो आंसर मेरे पास ए आ रहे हैं ज्यादातर, ए आ गया, बहुत बढ़िया। तो चीजें समझना है आपको, अब मैंने 800 बोला आपसे कि एक पुरुष तथा एक लड़का को 5 दिनों तक एक साथ काम करने में 800 रुपए लगते हैं, ठीक है। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। अब आपने इसको इस तरीके से किया है ना, अब मैं इसको आपको इस तरीके से भी बताऊंगा
और आपके लिए देखो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं, आपको समझना इस बात का है बस, ठीक है। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जब भी आपका एम वन डी वन अपॉन डब्ल्यू वन आर वन वाला फॉर्मूला लगाना हो तो ये लगाओ ना, जब भी आपसे रुपए की बात की गई है। देखो कंसेप्ट आपको यही समझाना था मेरे को कि हमने वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वो चीजें भी लगा सकते हैं, लेकिन ये भी चीज तो वही है, इसमें कोई अंतर थोड़ी ना है। तो आपको आसान बनाना है ना चीजों को, घबराना नहीं है तो चीजें ऐसे करनी है। देखो आपको पता है एक मेल है मतलब मैन है और एक लड़का है बॉय है, वो क्या कर रहे हैं, पांच दिनों तक एम वन मतलब ये भाई एक एम वन की जगह कौन कौन आ गए, एक लड़का, एक आदमी और एक लड़का, पांच दिनों तक 800 रुपए में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। 800 रुपए में कोई काम कर रहे हैं, काम वही होने वाला है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब आपसे क्या बोला गया है कि लड़का प्रतिदिन कितने में काम करेगा, लड़का मतलब बॉय, बॉय कितने रुपए में काम करेगा। भाई रुपए नीचे ही आते हैं ना, रुपए नीचे आते हैं ना, दूसरा मेथड है ध्यान से समझ लो, रुपए नीचे आते हैं, क्लियर है। अब आपसे एक चीज और बोली है कि पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगनी है, तो मैं ये कह दूं कि पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगनी है, एम बराबर टू भी है, यही तो बोला है। चीजें आसान बनाओ ना यार, चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, आसान बनेंगी इस तरीके से। देखो कितना आसान बन गया, कोई भी मैंने इस फॉर्मूले का यूज करना था इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखो अब आपको समझ में आ गया कि एम बराबर टू भी यहां रख दो तो यहां पे हो जाएगा आपका थ्री बी इंटू पांच बटे 800 बराबर बी अपॉन क्वेश्चन मार्क, यही आपको निकालना है, बी से बी कट गया तो आपका क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा, 800 बटे 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो 800 बटे 15 कितना हो जाएगा आपका, 53 सही 1 बटे 3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये मेथड, तो मुझे सब बता दें एक साथ कि सर क्लियर हो गया है, जी हां ठीक है, जल्दी से बताएं। देखो ये चीजें बहुत आसान है यार, जो आसान चीज है वही आपके लिए काम की है। और पता कैसे चलेगा, आपके दिमाग में भी तो ये क्वेश्चन होगा ना, सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूला कब लगाना है और वो चीज कब लगानी है। हम उसको पर डे में कैलकुलेट करने के लिए लगाते हैं, और जब हमारे पास कोई पांच दिन का काम है रुपए में दे रखा है तो इसको लगा के देखो, हमें बात तो वही है, इफिशियंसी का मान यहां रखना है क्योंकि ये हमारी क्षमता ही तो होती है। तो समझ में आ गया, जी हाँ क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये आपके होमवर्क हैं, 11, 12, 13, 14। अब देखो ये तो होमवर्क करना है आपको, चारों क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, क्लियर है, ये तो आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको जरूरी है प्रैक्टिस करना, आज आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो क्वेश्चन लगाइए। सबसे पहली बात, कल हम टफ लेवल के क्वेश्चन लेंगे, कल हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेंगे, है ना, हाँ चलिए हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेंगे कल हम। और उम्मीद आपसे यही है कि आप चारों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद देंगे, क्लियर है, जो भी लोग जुड़े हुए अगर ईमानदार हैं तो। देखिए अगर मेहनत आपको करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है, तो प्रयास भी आपको करना पड़ेगा। मैं आपको दिशा दिखा सकता हूं लेकिन सफलता आपको पानी है, सक्सेस आप होगे, तो आपको चीजें समझनी चाहिए कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेस्ट सीरीज धमाका में जरूर मतलब उसमें अगर आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस को एक अलग लेवल तक ले जाना है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मिनिमम प्राइस पे आपको मिनिमम कॉस्टिंग पे चीजें मिल रही हैं, गॉट इट गाइस। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें मोटिवेटेड रहना है, हमेशा चीजों को समझना है। कल आपको 11 बजे आना है, क्लास डेली होती है सोमवार शुक्रवार। जो लोग नए हैं उनसे यही कहूंगा कि आपके सामने टाइम टेबल है, सारा टाइम टेबल एक बार देख लें। रेलवे ग्रुप डी और एएलपी के लिए मैं क्लासेस लेता हूं आपके लिए, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम कल सुबह 11 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, और ध्यान रखना, टेक केयर, प्रैक्टिस पूरी करना और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, बाय बाय।